जैसा सोचा था सब वैसे ही हो रहा है। आखिर मैं छोटी पत्नी नहीं, नहीं वो कोटी पहनूंगी जिसे पति बाबू ने खास सिलवाया है स्वागत समारोह के लिए, और विद्यालय में अव्वल आया देख कर ना गर्व भी होगा मुझ पर पति बाबू को। एक बार इसे पहन कर देखती हूँ। इस कोटी को इसे पहनकर मैं वाइसरॉय जनरल का स्वागत करने मंच पर जाऊंगी। इसे चलकर वाइसरॉय के पास जाऊंगी, उसी वक्त ये डोरी खींच दूंगी। अगले ही पल ऐसा धमाका होगा, वाइसरॉय जनरल मारा जाएगा और मैं अपने देश पर कुर्बान हो जाऊंगी। बोंदता सबसे चुपकर अच्छे से कोटी सिल रहे दर्जी बाबू। अब तो भी अच्छे से सारे पार्ट याद कर ले बोंदता। हर हाल में विद्यालय की परीक्षा में तुझे ये बलाना बोंदता। देखता हूँ बोंदता की पढ़ाई कैसी चल रही है, कहीं उसे मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। पुरपुर तो मुझे सावधान करने वाला गुपचुप इशारा है। इसका मतलब कोई आ रहा है। क्या कर रहे हो बिहारी? पति बाबू अरे जल्दी उठिए, उठिए ना। वो हमारे कुछ ही नहीं, मतलब ये आवाज क्या है? अरे जल्दी से छुपिए अंदर। अरे क्यों क्यों, लेकिन आपको हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ? मेरे तो हाथ साफ ही है। अरे मेरे तो हाथ साफ ही है। वो बगीचे में, बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, भरा रहा था। बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, यहाँ ऊपर। अरे आप अगर हाथ साफ करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा ना। हाँ, हाँ, अच्छा, तो चलिए चलिए अंदर चलिए। अरे लेकिन और तुम उसे कैसे भगा रहे थे? वो माने क्या है ना कि जब हम मेढक जी की भाषा में बात करेंगे ना तब वो हमारी बात समझेंगे ना मेढक जी। और जब तक मैं ना कहूँ तो आप हाथ धोते रहिए। क्या पढ़ रही हो मोंता, जरा देखूं। पति बाबू वो देखिए वहां क्या हो रहा। मैं
वही मैं तो मसाज कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी तो ये धागे का रील तुम्हारे कपड़ों से कैसे गिरा बंदा था? कुछ छिपा रही हो मुझसे बॉन्डेचा, छिपा रही हो मुझसे बॉन्डेचा। बताओ ये धागे का रील तुम्हारे पास क्या कर रहा था बॉन्डेचा? जुड़ी बम की तार तो दिखाई दे रही है, मुझे जल्द से जल्दी से सी देना होगा। किसी को जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि इस कोठी में मैंने बम छुपाया है। नहीं नहीं, मुझसे क्या छिपा रही हो मानता? बताओ। आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। सर, क्या करने वाली हो तुम बॉन्डेटा? अभी बता दिया तो आश्चर्य में पड़ेंगे क्या? नहीं हाँ। देखो बॉन्डेटा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना ना जिससे फिर कोई मत कीजिए पति बाबू। अब की बार आपको परेशान नहीं करूंगी मैं। इसे देखकर अच्छा लगेगा आपको, गर्व होगा मुझ पर। बस ये समझ लीजिए कि आपने जो सपना देखा है मुझे बैरिस्टर बाबू बनाने का, उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ मैं। हाँ। फिर तो इसका बेसब्री से इंतजार है मुझे बॉन्डेटा। ठीक है। वैसे छींक आने के बाद आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो कहिए ना। God bless you, भानिता। अब जाइए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जाइए। गर्म पानी पी लेना। हाँ हाँ हाँ। मैं भिजवाता हूँ दूध। हाँ, अभी तो संभाल लिया मैंने, पर अभी विद्यालय जाने का समय हो रहा है। बहुरानी जी, आप विद्यालय जाएंगी तो दर्जी जी यहाँ पर कैसे होगा सब कुछ? जी जाना ही पड़ेगा कोयली दीदी, आज परीक्षा है और उसमें अव्वल आना मुझे। अगर वायसराय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में ये न जा पाऊँ तो कोटी कहाँ पहनूंगी? हाँ, आपकी बात सही है। हाँ, आप विद्यालय जाइएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। अव्वल नंबर से आना महारानी जी। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं और बिहारी है ना यहाँ, दर्जी जी की रखवाली करेंगे। आप जाइए। अरे मैं तो भूल ही गई कि दर्जी बाबू तो अंदर ही है। छोटी मालकिन, दरवाजा खोलिए। दी
अब एकदम अच्छे से कोटी सिल देना, एकदम हूबहू। बोंदता ने खुद कहा कि बैरिस्टर बाबू बनने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। पता नहीं मुझे आश्चर्यचकित कैसे करेगी, क्या करेगी बोंदता। जो भी हो, जैसे भी करे, मैं बहुत खुश हूं। बहुत खुश क्योंकि क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार बोंदता ने पढ़ाई की गंभीरता को समझा। मुझे विश्वास है कि डलहौजी वाले बोर्डिंग स्कूल का इंटरव्यू अच्छे से देगी बोंदता। हेलो हेलो, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी बोल रहा हूँ सर। हेलो मिस्टर अनिरुद्ध, मैंने आपसे कहा था बोंदता अभी बोर्डिंग स्कूल के लिए तैयार नहीं है। याद है मुझे, पर सर मेरा विश्वास कीजिए, बोंदता ऐसी छात्रा है जो आपके स्कूल के नाम को और रोशन करेगी। मेरा आग्रह है सर आपसे, प्लीज बोंदता को एक और मौका दीजिए। वन मोर चांस सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सर। सर सर पिछली बार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी जिसके कारण बोंदता घबरा गई थी, कुछ बोल नहीं पाई बस, पर इस बार सब अच्छा है सर, एवरीथिंग इज टोटली गुड। और बोंदता बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रही है और वो आपका इंटरव्यू देगी सर अच्छे से, बस एक और मौका दीजिए प्लीज। आपकी जिद और विश्वास को देखकर मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ मिसेस बोंदता रॉय चौधरी को। मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर अनिरुद्ध, लेकिन एक बात और जी, कल अगर आपकी पत्नी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाती तो उन्हें कल ही मेरे साथ डलहौजी आना होगा। हेलो मिस्टर अनिरुद्ध, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मिस्टर अनिरुद्ध? हाँ सर। देखिए आप इसके लिए तैयार है ना? हाँ सर, मैं कल ही भेज दूंगा बोंदता को आपके साथ। ठीक है, मैं कल आता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तुम कल ही चली जाओगी, ये सोचकर दुख हो रहा है बोंदता, पर खुशी भी बहुत हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हो। मैंने कोई गलती कर दी? नहीं, निकालनी चाहिए थी किताबें। अब आप डांटेंगे मुझे परिचय बाबू। अरे पति बाबू, नकल में भी अकल होनी चाहिए। अशोक बनने के दुश्मन बाबू। स्कूल जाने वाली बोंदता। ये खबर अपने तक नहीं रख सकता मैं।
थोड़ा सा रह लूंगा चुप, लेकिन पूरा अब तो चुप रहोगे ना बट्टू? पक्का चुप रहोगे ना बट्टू? होंठ चिपक गए हैं मेरे, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे मोदी, परीक्षा में पूरे विद्यालय में अव्वल आई है आप, तो भी आप अकेली विद्यार्थी हो जिसे मौका मिला है वाइसरॉय का स्वागत करने का, पर आप ये बात खुशी के मारे सबको बताने के जगह दादा को और घर पर किसी को क्यों नहीं बताना चाहती है? बताने में ज्यादा मजा है करके दिखाने में? बोलो छोटे जमींदार बाबू, जब मैं अचानक मंच पे जाऊंगी स्वागत करने वाइसराय जनरल बाबू का, तो पति बाबू को गर्व होगा ना मुझ पर? बस अपने लिए वही गर्व देखना चाहती हूँ पति बाबू की आंखों में। और बॉडी, मैं आपको और दादा को पहले जैसा खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। तब तहसी बाबू ने कोठी तैयार कर दी होगी, जल्दी से जाकर मेरी वाली कोठी को पति बाबू की बनवाई कोठी से बदल देती हूँ। चलो बट्टू। बस भी आखिरी टाका, फिर कोठी तैयार हो जाएगी। इस स्टोरी से जुड़ी ये पंखी तार पूरी तरह चिप गई है। मनोरमा, तुम यहाँ कुछ काम था? क्या छुपा रही? कोटी बन गई? अरे दिखाओ, देखूं तो सही, देखूं तो सही, मैंने ही तो बनवाई है, दिखाओ। कहीं अनिरुद्ध को ये ना पता चल जाए कि कोटी में बम छुपाया है मैंने। बनी है ना ये कोटी जिसे पति बाबू ने बनवाई है छोटी पत्नी के लिए? बहुत अच्छा काम किया आपने, भारी बाबू ने और दर्जी बाबू ने। बहुरानी जी, आपको और छोटे मालिक को मिलवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जल्दी से जाकर मेरी वाली कोटी को पति बाबू की बनवाई कोटी से बदल देती हूँ, फिर मैं पहनूंगी पति बाबू वाली छोटी पत्नी की कोटी, क्योंकि पति बाबू की बनवाई कोटी पर सिर्फ बॉन्दता का हक है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.